तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अपने घर के सारे कामों से फ्री होकर मैं आई हूँ बाहर कपड़े सुखाने के लिए। तो देखिए अभी शायद 12 भी नहीं बजे हैं और इतनी गर्मी है बाहर बहुत ज़्यादा। अभी से इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है इस साल और हमारे गाज़ियाबाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पर कैसा मौसम है। चलिए तो हुसैन आने वाला है, अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो हुसैन स्कूल से आ चुके हैं, चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या किया आज हुसैन ने स्कूल में। ऐसे बोलते हैं मम्मा को आप, ठीक है? तुम नहीं बोलते मम्मा को। ये आपको क्राउन किसने दिया है? ये ये आपका अर्थ है? हाँ, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? हम अर्थ में रहते हैं। हाँ, अर्थ मून होता है, जिस पे सब लोग रहते हैं। अच्छा, और पहन के तो दिखा दो इसको। ठीक हो गया ऐसे? अच्छा, तो अब इस वाले रूम में भी सो सकते हैं? अब इस वाले रूम में भी सो सकते हैं अपने? हाँ, अच्छा, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और ये कर रहे हैं लंच। आज हमने लंच में कुछ नहीं बनाया था क्योंकि हमारे घर पर ना रात का खाई थी तो बहुत सारा खाना बचा हुआ रखा था। अब हम वही खाने वाले हैं तो आज मैंने एक डिश निकाल ली है, कई चीज़ें थी। तो देखिए ये चिकन चंगेजी। अरे ओ, इधर आओ हुसैन, ये सब रख के जाओ। देखिए उस सर ने क्या हालत बनाई है पूरे रूम की। हुसैन, मैं नहीं रखूंगी तुम्हारे टॉयज, अपने आप रखो अपने। मम्मा, खाना रेडी हो गया कि नहीं? बस अभी होने वाला है, 5 मिनट और। क्या बना रहे? सरप्राइज है आपके लिए। मेरी कोई फेवरेट चीज है। अच्छा गाइस, आपको पता है कल को ना मेरा एक बहुत स्पेशल डे है और वो आपको कल को ही पता चलेगा। मम्मा मत बताइएगा। मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि दोपहर में जो वो चिकन चंगेजी बच गया था ना, तो उसी में मैंने राइस अचार सब कुछ डालकर बनाया है। बहुत ही टेस्टी से राइस। और कौन कौन इस तरह करता है जब चिकन या मटन घर पे बच जाता है तो उसमें राइस बना लेते हो? जरूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं तो ऐसी करती हूँ और वो बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। और कितनी देर लगेगी वैसे बनने में? बेटे बस दम में आ रहे हैं, देखो। तो फिर मैं प्लेट्स लगा लेती हूँ। उम्रा कहाँ है? बस 5 मिनट में लगा लो। तो देखिए ये आज मैंने बनाया है चिकन चंगेजी पुलाव। बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। जो चिकन चंगेजी बच गया था ना उसी से मैंने बना लिया। सेकंड राउंड लो सिद्रा। और सिद्रा को ना तो राइस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे राइस लगते हैं। जाओ। तो देखिए सुद्रा ना बाजीज के जो ब्लॉग्स हैं वो बड़े शौक से देखती है तो मुझे बुला के ले गई है कि मम्मा चलिए देखते हैं। हाँ, ये सब क्लीन करो। तो मैंने इसको एक काम बता दिया है, मैंने कहा ये सब जो हुसैन ने फैलाया ना इसको पूरा क्लीन करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बैठ कर देखूँगी और इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा। वरना ये तो मुझे ही रखने पड़ते। रख क्या अंदर रूम में, यहाँ से देख कर तो फिर लेके आ जाएगा ये। और बैठ मत जाना, मेरा खराब हो गया, बाहर आ जाओ। आप दीजिए मुझे एक और पानी देखना। ठीक है, पूरा सरप्राइज खराब। तो देखिए सिद्रा ना ये बाजीज के ब्लॉग्स बहुत शौक से देखती है तो इसकी फेवरेट ब्लॉगर है ये। और खूब हंसती है पता है, देख देख कर इसको पता नहीं क्या समझ आ रहा है। इतनी छोटी है, बहुत इंटरेस्ट लेती है और मुझे भी अच्छा लगता है। सिद्रा मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? तुम देखना शुरू करो, मैं भी आ रही हूँ। okay. ये ब्यूटी पार्लर वाला दिखाओ। और पता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा किस किस को अच्छे लगते हैं बाजीज के ब्लॉग।
तो देखिए उमरा ना रूम में कुछ छुप कर रही है सिद्रा के लिए, कुछ सरप्राइज़ देना चाह रही है, क्योंकि कल ना सिद्रा का बर्थडे है और उसने बोला है मम्मा सिद्रा को बिल्कुल नहीं बताना, तो छोटी सी एक डेकोरेशन ये करना चाह रही है। हम लोग वैसे ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते नहीं हैं, सिर्फ सदका कर देते हैं और बाहर जाकर कुछ अच्छा खा लेते हैं और घर पर भी कुछ अच्छा सा बनाकर सब लोगों को खिला देते हैं। लेकिन उम्र अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनको लग रहा है कि डेकोरेशन भी होनी चाहिए। चलिए तो अब रात हो गई है, अब सोते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल। द नेक्स्ट डे। तो देखिए सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में, और जो बर्थडे गर्ल है सिद्रा की फरमाइश है कि मम्मा आज मैक्रोनी लेके जाऊँगी और ज़्यादा सी बनाइएगा, अपनी फ्रेंड्स को भी खिलानी है, तो एक साइड में यही बना रही हूँ, चाय भी बन रही है। तो सुबह में जो सारी मदर्स के काम होते हैं जल्दी जल्दी सब भाग भाग कर करने होते हैं। अभी उमरा सिद्रा भी रेडी हो रही हैं, फिर अपनी चोटी बनवाने के लिए आएंगी मुझसे, तो यही सारी तैयारियाँ चल रही हैं। तो हुसैन ना अभी सोकर नहीं उठा है। हैप्पी बर्थडे सिद्रा। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, कामयाबी दे। इंशाल्लाह। क्या गिफ्ट चाहिए आपको? थ्री डी पेन। ओहो, बस ऐसी चीज़ें चाहिए जो मुझे एकदम बेकार लगती है। ठीक है चलो। मामा वो आर्ट भी बहुत अच्छी है और उससे मैं चलो, तुम अपना आधे से ज़्यादा टाइम ना आर्ट एंड क्राफ्ट में बर्बाद कर देती हो। फिर उसको क्लीन भी तो क्या करो, सब कुछ इतना गंदा। उससे बुक मार्क्स भी बन सकते हैं, उससे पेन होल्डर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। अच्छा रेडी हो गई बिल्कुल? यस फुल्ली रेडी। चलो ठीक है, मैं नाश्ता लेके आती हूं। तो बच्चों के लंच बॉक्स भी रेडी हो गए हैं, अब इन लोगों को जल्दी से मैं नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि बिना कुछ खाए जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए उमरा सिद्रा बिल्कुल तैयार हो गई है स्कूल के लिए। सिद्रा बैग किधर है तुम्हारा? ये रहा, उस अरेंजमेंट कर रहा। अच्छा किस चीज़ में बताओ? कम से कम किसी बॉक्स में तो लेके जाएगी। बॉक्स में अल्लाह हाफिज। सफर की दुआ पढ़ो फटाफट। सुभान अल्लाह जी। अरे यहीं से पढ़ लो, मुझे पता है तुम भूल जाओगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो अब हुसैन को भी उठाते हैं, उमरा सिद्रा स्कूल जा चुकी है। और अभी हुसैन को ना सुबह एकदम जल्दी उठने की बिल्कुल भी आदत नहीं हुई है, रात को बहुत लेट सोता है। मैं इसको लाइट ऑफ करके भी लेटा देती हूँ, फिर भी सोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। दुआ पढ़ो जल्दी। सुभान अल्लज़ी सखलना हाजा हाजा वमा कुन्ना सदमा वमा कुन्ना। बच्चे स्कूल जा चुके हैं सब, अब मैं भी बैठकर नाश्ता करूंगी। पता है कार में बैठकर बच्चों को याद ही नहीं रहता है सफर की दुआ पढ़नी, इसलिए मैं घर पर ही पढ़वा देती हूँ। तो देखिए मैं भी ना नाश्ते से ही फ्री हुई थी कि मेरे पास कॉल आई कि नीचे आपका एक पार्सल आया, फटाफट से नीचे आ जाइए। तो ये पार्सल रिसीव हुआ है मुझे मुंबई से, और इसमें क्या है वो जानने के लिए आपको इंस्टा पर मेरी रील देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग की रील अपलोड करूँगी इंस्टा पर। और जो भी कुछ है बहुत अच्छा है और आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आप भी ज़रूर ख़रीदिएगा वो, लेकिन मैं बताऊँगी अपनी इंस्टा रील पर। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और देखिए डेकोरेशन कहाँ तक पहुँची है वो भी दिखा देते हैं, अभी तो बच्चे स्कूल ही हैं। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।